चली। क्या चाचा, क्या आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या दिशा रहने वाली है? अरे हमार का जवन सबके भैया सब हमारो रही। क्या क्या दिशा रहेगी? अरे भाई वो बीजेपी दिशा रही, बीजेपी की तरफ से। 5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार रही, उसमें बीजेपी की तरफ से सरकार की, बीजेपी की सरकार जो रही डबल इंजन की राज्य और केंद्र में, उसमें आपको क्या मिला? और तोरे का नाम है कॉलोनी, कॉलोनी सब मिलत बे। मिली है कॉलोनी? बिल्कुल मिली है। महीना में राशन डबल बार मिलत बा। महीना में डबल बार राशन मिलत बा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए। सरकार करेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सरकार, और सरकार करेगी महंगाई? 200 रुपया किलो जो महंगाई। अरे तो इस हिसाब से महंगाई कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। महंगाई तो आएगी जब जनसंख्या बढ़ेगा हर चीज, जब आप लोग नौकरी नहीं कुछ नहीं करोगे, बेरोजगार बैठे रहोगे, जब कुछ होगा नहीं तो महंगाई तो होगी होगी। कांग्रेस के समय में पेट्रोल 70 रुपये से 71 रुपये हो गया था, तो उस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे स्मृति ईरानी हो या बड़े बड़े नेता, बहुत विरोध किए थे। स्मृति ईरानी तो चूड़ियां तक भिजवाने को चली गई थी। तो क्या आज वो महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? इस पर विराम क्यों लग गया है? अरे जो चीज़ नहीं होगा तो महंगा तो होगा ही। प्रसाद सरसों कहा हुआ तो इसीलिए तेल महंगा हुआ। अब पेट्रोल महंगा नहीं होगा, गाड़ियाँ क्या कम निकल रही हैं? गाड़ियाँ तो निकल ही रही हैं। एक मिनट, महंगाई तो रहेगी, गाड़ी कम हुआ, गाड़ी सब निकाल रहे हैं, हर गाड़ी में दो दो चार गाड़ी है, महंगाई का महंगाई जिस हिसाब से खर्च है उस हिसाब से महंगाई है। आ जाइए, बोलना है, आ जाइए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिशा और क्या दशा रहेगी, आप आपका क्या रुझान है? हमारा यही है, जो पहले जो सरकार थी उससे अच्छा है बीजेपी सरकार कर। पहले बहुत सरकार थी, इतना सुविधा नहीं की। कोई 5 काम गिना सकते हैं 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी के? 5 का विकास हुआ, 5 हुआ, रोड का विकास हुआ, राम मंदिर बन गया, अब और काशी बन गई, काशी का पूरा विकास हुआ, नदी का, गंगा जी का, 370 हटा, और हम लोग सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए? नहीं नहीं, पिछड़े नेता बीजेपी में बहुत सारे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, राम कुमार सैनी जो कि कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और उन्होंने एक आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ों पर अन्याय और अत्याचार करती है। वो अगड़ों, उनका इशारा था ठाकुरवाद है, उन्होंने ऐसा कहा। जो है स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल में क्यों नहीं किए? जब जो है आचार संहिता लग गई तो स्वामी प्रसाद अपने लड़के का टिकट देने के लिए जो है अरे उसमें चले गए। स्वामी प्रसाद का क्या वैल्यू है? बसपा में आए थे, 4 बार लड़े थे, 1 बार भी नहीं विजयी हुए थे। सपा अभी जो है सपा में चले गए जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। ये सब कहना गलत है और ऐसा कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है, कोई नहीं, गरीबों को कोई नहीं सता रहा है, सब सुरक्षित है, सब खा पी रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं। कोई समस्या आपके जीवन की है ही नहीं? बीजेपी है तो समस्या नहीं है, बीजेपी है तो समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं परेशानी भाई, कोई नहीं परेशानी। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा पिछड़ों के लिए लग रहा है, उसकी मांग कर रहा है विपक्ष की जातिगत जनगणना हो। हाँ। उस पर आप लोग सहमत हैं? सहमत है, यही काम जो है जब केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी तब जो है उनको जातिगणना करवाना चाहिए था। आज भी हम कांग्रेस कहेगी हमारा डबल इंजन नहीं था, इनका डबल इंजन है। डबल इंजन है लेकिन जो है डबल इंजन सक्सेस भी है, ये कहने की बात। हाँ, एक और आरोप लगता है, ये कहा जाता है कि सभी सरकारी संस्थाओं को, चाहे रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, एलायंस हुआ, जो भी सरकारी संस्थाएं, उनको प्राइवेट किया जा रहा है, नहीं ऐसा क्यों? प्राइवेट नहीं, जब आप काम ही नहीं करोगे, 80,000 रुपये ले रहे हो, उसमें अगर 8 आदमी रख रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं तो क्या हुआ? सब पाएंगे, 10-10 हज़ार की नौकरी करेंगे। अब एक ही आदमी बैठा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा? सरकार तो प्राइवेट करेगी। है अगर जैसे एक स्कूल में 4 मास्टर रख दिए हैं, 70-80 हज़ार ले रहे हैं, जो उसके बाद और जो पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया प्राइवेट रखेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। हम तो चाहते हैं कि सारा चीज प्राइवेट हो जाए।
कोई चीज सरकारी ना रहे। एक आर्मी छोड़ गए पुलिस भी प्राइवेट हो जाना चाहिए। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो बाद में तो उसकी मर्जी, वो जितना भी महंगा करेगा कोई दिक्कत नहीं उसका होगा, सरकार को। हम लोग क्या है, हम लोग कमाना ही खाना है, चाहे कितनों महंगाई आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। इतने लोग यहाँ पर हैं, फूलन देवी जी को जानते हैं? सब जानते हैं, फूलन देवी को कौन नहीं जानता है। अखिलेश यादव फूलन देवी पर जो है उसके लिए जो है बड़ा को जो अखिलेश मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है, देख सके आप लोग फूलन देवी जी को जानते ही हैं। हाँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम फूलन देवी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, उनके बस की बात नहीं है फूलन देवी का जो है मूर्ति लगा दे। मुलायम सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई, जब जिस समय फूलन देवी का हत्या हुआ था उस समय जांच कराना चाहिए था ना उनको। उन्हीं की सरकार में फूलन देवी की हत्या की गई थी और इतने साफ आना चाहिए था, क्या वजह है, क्या बात है, कहां से कमी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। अब आज फूलन देवी का फोटो और मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं। अरे जब वोट आता है, वोट लेना होता है तो ऐसे ही बोलते हैं वो सब, और कुछ नहीं। बस वोट लेना है तो दुनिया निशाना दा देंगे कि राम मंदिर को मानेंगे तो अल्लाह को मानेंगे। कोई नहीं जानता था उसको, मैंने पहले स्टाकिन मैंने ही जिताया था उसको, कोई नहीं जानता था उसको, कोई नहीं जानता था। मझौरा का बबलू, आपने बबलू भाई का नाम लिया। हाँ। तो इलेक्शन में बबलू भाई ने अपनी प्रधानी में विकास तो किया है ऐसा कहा जाता है। विकास अच्छा किए, विकास तो किया, विकास ना बोले, मगर हर घर में ये भी सुना गया कि फ्रिज भी बटवाई थी। ओ फ्रिज बट जिसको अच्छा विकास किया था पहले मुला, उनको जो लोग गाली देते थे हैं, आज उसे सट गया। मैंने भाई उसको नफरत ले लिया, वो मेरा दोस्त है, दोस्ती भी अभी समझता हूँ मैं। जहाँ तक बात उनको, उनको नहीं देती तो क्या काम करते, अगर कॉलोनी नहीं पास कराती, लैटरिन नहीं देती या पैसा नहीं देती। उन्होंने विकास किया है, अगर उनकी सरकार ही ने तो पैसा दिया विकास करने के लिए, वो तो उसमें क्या कर, वो तो हमेशा इसके पहले कोई सरकार दे ही नहीं रही थी, प्रधान करते क्या यार, वो भूल गया मेरा दोस्त खुद मेरा, जैसे आपको मैंने स्थान दे दिया आप खुद हमको भूल गए, उसके उससे क्या बतवा। देखिए बात ऐसा है, जहाँ तक रही बात है बबलू प्रधान की है, काम तो लगभग किए हैं ठीक है, और पहला नंबर दे है लाने वाला, इतनी बड़ी उम्र में आज तक जो है मैं जितना विकास हुआ है तो नहीं देखा, पहले कभी नहीं हुआ था, कोई प्रधान नहीं। सबसे ज्यादा विकास बबलू, वसीम जाफर उर्फ बबलू ने किया है। सबसे